अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी और मैं आज पहुंच गया हूँ सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर मेमोरियल जोड़ा कॉटेज है या हॉल है वो अंदर मैं पहुंच गया हाँ। और इस गली दे विचों अज इतों कभी लंघ रहे थे लंघ रहे हैं इतों गदरी लंघते सन तो अज उन्हां दे विच ही मतलब कि सिख मुस्लिम होंगे सन और एक हिंदू वीर भी नाल हुंदा सी। ए भी गदरी ठीक है जी तो गदरी जोड़े आ फिर कट्ठे हो गए ना और 2016 है तो उदो 1910 या मेरा ख्याल है कि 1915 की गल है और ये सारा कुछ जोड़ा सी वकू पजीर होया और असी एक्सप्लोर करने लिए जा रहे हैं। इस तो पहले मैं थानू गदरी बाबियां दा जोड़ा गुरद्वारा सीगा मेमोरियल हॉल सी उत्ते वो भी तुहानू दिखाया सी ते हुण ए जगह जिहड़ी सी सो इंपॉर्टेंट जिहड़ी है इस वेले सैन फ्रांसिस्को दे अंदर जिहड़ी सी वो सब तो जरूरी सी ते जिथे सिख मुस्लिम ने इकट्ठे होके ब्रिटिश कोलों आज़ादी बारे जिहड़ी सी गल शुरू कीती सी ते असी भी हुण इस वेले अमेरिका दे विच ये गदर मूवमेंट वाली जिहड़ी ये प्लेस है उहनूं देखण वास्ते आए हैं। होप जल्दी कैनेडा दे विच भी देखण लई जावांगा मैं सारा कुछ कि गदरियां दा उत्थे भी बहुत कुछ है। हेलो जी सर, हाउ आर यू? गदरी बाबा फ्रॉम पाकिस्तान। जी तमाम हिंदी अमरीकी अमरीका के वफादार हैं मगर जो हिंदी अंग्रेजान के लिए बरती हुए वो इंसान नहीं मुकदमा गदर। ठीक है जी। और गदर तो बाद लिखता है थे कि अंग्रेजी राज का जानी दुश्मन हफ्तावार उर्दू गुरमुखी अखबार जिल्द नंबर 4 23 जून 1917 नंबर 27 अंग्रेजी राज का कच्चा छठा अंग्रेजी नंबर 1 अंग्रेज हर साल 50 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से खींच कर इंग्लिस्तान ले जाते हैं जिहड़ी गल तुसीं कहंदे सी हर साल वाओ। फिर एक बारी फिर ज़्यादा सारे पैसे ने इसलिए जरा गिण के दस देवां तुहानू अंग्रेज हर साल 50 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से खींच कर इंग्लिस्तान ले जाते हैं। यह वजह कि हिंदुस्तान इतने गरीब हो गए हैं कि रोज़ाना आमदनी फीकस 5 पैसा है, ज़मीन का लगान 25% से ज़्यादा है, 24 करोड़ आदमियों की तालीम पर 7.25 करोड़ और इंतज़ाम हफाजत सेहत पर 2 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है मगर फ़ौज पर 29.5 करोड़। नंबर 4 अंग्रेज़ी राज में कहत बढ़ते जा रहे हैं, गुज़िश्ता 10 बर में 2 करोड़ हिंदुस्तानी भूख से मर गए हैं। जी गदर मूवमेंट तो जिहड़ा लैटर है वो जिहदे तो शुरू किया गया 5 नंबर ते है जी प्लग से गुज़िश्ता 16 साल में 80 लाख मौतें हुई हैं प्लग से, तादाद अमवात पिछले 30 साल में 24 फी हज़ार से 34 फी हज़ार है। 6 नंबर हिंदुस्तानी रियासतों में नफाक और अबतरी फैली हुई है और अंग्रेज़ी राज का रसूख बड़ा है लेकिन तराकीनें अमल में लाई जाती हैं। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान के कत्ल करने और हिंदुस्तानी औरतों को इज्जत बर्बाद करने की कोई सज़ा नहीं दी जाती। हिंदू मुसलमानों में फसाद कराने की कोशिश की जाती है हिंद में मुसलमानों में फसाद कराने की कोशिश की जाती है 9 नंबर हिंदू मुसलमानों के रुपया से ईसाई पादरियों की मदद की जाती है। हिंदुस्तान की सनत और रफत की को इंग्लिस्तान के फ़ायदे के लिए बर्बाद किया जा रहा है। हिंदुस्तान के रुपया से और हिंदुस्तानियों की जानें तलफ करके चीन अफगानिस्तान बर्मा मिस्र और फारस फतह किए गए हैं। हिंदुस्तान की आबादी रियासतों में 7 करोड़ और अंग्रेज़ी इलाका में 24 करोड़ है। अंग्रेज़ों की फौजी ताकत इस 7,09,214 अफसर और सिपाही वो 3,08,948 इब्राहिम लंकन अमेरिका का 16वां प्रेसिडेंट
रिपब्लिकन पार्टी से तलक रखता था, उन्होंने निग्रो को आज़ादी दिलाई थी। वाओ, गुलामों को आज़ाद कराने वाला प्रेसिडेंट इब्राहिम लंकन, यानी कि गदर मूवमेंट नूं जुड़िया जाता है इब्राहिम लंकन दे नाल भी। मैं कल भी जो मैं लास्ट वीक उत्थे गया वहां, तो उस वेले मैं देख के हैरान हो गया सी कि इब्राहिम लंकन नूं भी गदरी मनिया जाता है और गदर मूवमेंट का जड़ा हिस्सा मनिया जाता है। आपां दी पिक्चर्स नाल लै लवांगे, तुसीं थोड़ा जिहा पढ़ो ताकि आपां थोड़े कवर कर का स्पेशल ऐलान सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया नूं ऐसे यूएसए ए हिंदुस्तानियों चीन हमारा दोस्त है सुपर पावर इस पर वार करके अपना खून ना नहाओ। पुराने निजाम को चकनाचूर करके मुल्क में चीन शानदार तरक्की पर था और हम हिंदुस्तानी चीन को इस तरक्की के नज़र शौक से देख रहे थे, लेकिन रिपब्लिक चीन को अभी भी अपनी ताकत को मुंतजम करने और सियासी और इक्तसादी निज़ाम को तरतीब में लाने का मौका ना मिला था कि बलाई नागहानी से मुकाबला पड़ गया। यूं मालूम होता है कि चीन जितना ज्यादा अमन पसंद मुल्क है उतना ही ज्यादा मुसीबत का शिकार रहता है। हर दिन तरक्की के लिए दुनिया में कोई मौका नहीं। खुद गर्ज मुसल्ला अकवाम चीन और हिंदुस्तान की तरक्की से सख्त खौफजदा हैं। यही वजह है कि इन दोनों मुल्कों पर आज फिर मुसीबत की घटाएं तारी हैं। बहुत वधिया उर्दू लिखी गई है जी, और मैं कहूंगा लेकिन हमारे दुश्मन अंग्रेज थोड़ा मैं पढ़ना चाहवांगा नु बाकी फोटो चल रहा है तड़ी लाइव कर देते हैं। बहुत बढ़िया जी, मैं कहूंगा कि इतनी खालिस और इतनी मीठी जड़ी उर्दू है आज शायद एदे विच थोड़ा जना 1-2% दा फर्क पै गया, लेकिन प्योरली बड़ी सोहनी उर्दू लिखी। बाबा जी देखो जदों इकट्ठे हुंदे सीगे उस वेले दा ए नक्शा है, जदों ए सारा अपना जिहड़ा बॉर्डर जिहड़ा अफगानिस्तान बॉर्डर दिखाया होणा इत्थे पार्ट जुड़ा सी हूँ ऐना लग रहा है ना या आ जाओ जी। इस तो पहला तुहाडी लाइव बंद हो जाएगा अद्ध होनी चाहना जरूर। टुंडी लाट की जी बांह सी जिहड़ा बहुत फेमस होया देशभक्त हरनाम सिंह टुंडी लाट उहदी प्रोस्थेटिक जी आर्म सी उह असली आर्म इत्थे पई होई आ, मतलब ये नकली बांह सी जी पा के उह कम करदे हुंदे सीगे जी। उधम सिंह कैसल या और डॉक्टर मथुरा सिंह, लाला राजपत राय सपूत ऑफ लाहौर या रहमत अली शाह वजीत के और सरदार सजीत सिंह, दैट्स ग्रेट अजीत सिंह। वाओ, की तैयारी करते हैं तब एक दिन उन सब बदमाशों को इकट्ठा करके सजा दी जाएगी और जितने पुलिस के नौकरान हैं इतनी ही फांसियां खड़ी कर दी जाएंगी। हिंदुस्तान में जाके दुख की दास्तान हिंसों की गवाही गदर की पस्तून का सिलसिला नंबर 3 मिलने का पता, ये पता युगांतर आश्रम की तरफ से मुफ्त भेजी जाती है। द एडिटर इंफॉर्मेशन, गुलामी का जहर गुलामी की आत्मा, 2 नादर मजामीन अज लाला पर दयाल एम ए हिंदुस्तान पर गदर प्रेस सैन फ्रांसिस्को। क्या बात है जी। अजीत सिंह और जगत सिंह उन्होंने अंकल जी से भगत सिंह दे जना दे उन्होंने जी जी सिंह आ केड़ा पिंड तो ने आ जी जगत सिंह गणेश सिंह विलेज सर सुर सिंह डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ओ सारे उत्थे दे अच्छा उस तो बाद बाबा जी आ देखो मड़ जाइए। वाह 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 वाह, ये यज्ञातर आश्रम दफ्तर हिंदुस्तान मोरखा अगे डेट कोई नहीं 191 है। प्यारे देश भगत जी, बंदे मातरम, बहुत अरसा से आपका कोई नवाजिशनामा नहीं आया, मेहरबानी करके इतला दें कि आपको अखबार हिंदुस्तान गदर मिलता है या नहीं। हमने ये ज़रूरी समझा है कि आपको देशभक्तों का वक्त और पैसा जो अखबार छापने में सर्फ होता है ज़ाया नहीं हुआ। आपकी खिदमत में ये अरसाल किया है कि आप दफ्तर गदर में इतला दें कि अखबार आपको बकायदा मिलता है कि नहीं। वो अलावा अजीम गदर अखबार आप अपने दीगर दोस्तों को भी भेजा करें ताकि इनको भी कौमी फर्ज की तरफ से रजू किया जाए। आप इस बात को अपना फर्ज समझ कर अखबार की बाबत जरूर इतला दें, इसके बाद भी कभी कभी इतला देते रहा करें।
ताकि तुम्हें तसली रहे कि आपको अखबार बराबर पहुँचता है और मुकाम बल ये वक़्त अपने किराए वो नए पुराने और नए दोनों पतों से पतों से इतला करते रहने पुराने पतों पते पर बंद और नए पर जारी किया जाए पुराने पर बंद कर दिया जाए नए पर जारी किया जाए नए दीगर दोस्तों और रिश्तेदारों को भी मुखर ममनून फरमाएं ताकि उनके पास भी एक बार भेजा जाए और इस खत का जवाब ना आया तो समझ लिया जाएगा कि अखबार आपको नहीं मिलता लिहाजा आपके पते पर अखबार बंद कर दिया जाएगा तमाम खतों किताबों को तरसील जरिया दर्ज ज़ैल पते पर होनी चाहिए दी एडिटर हिंदुस्तान गदर सैन फ्रांसिस्को ग्रेली USA वाओ इत्थे दा पता भी लिखा होया जी इहदे विच अच्छा बड़ी मजे दी गल है मैं कहांगा कि एक नादर नमूने जिहड़े उर्दू रस्मल खत दे ने जिहड़े कि अज जिहड़े सानू जदों असी प्राइमरी क्लास विच पहुंचते हैं तो सानू इह वाले खत जिहड़े ने ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਚਾ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਖਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲਖਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਲੱਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਵਾਓ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਬੋਰਨ ਇਨ ਆ ਵਿਲੇਜ ਬਿਖਲੇਵਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਹੌਰ ਬਿਖਲੇਵਿੰਡ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਬਿਖਲੇਵਿੰਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਖਲੇਵਿੰਡ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਕਾ ਔਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਰ ਸਨ ਆਫ ਅਰੋੜ ਸਿੰਘ ਵਿਲੇਜ ਬੱਟੀ ਗਰਾਇਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੱਟੀ ਗਰਾਇਆਂ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਵਾਓ ਫਸਟ ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂਗ ਇਹਨਾਂ 17 November 1915 ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਜੀ ਪਿੰਗਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਸੋਨਾਲ ਪਤਕ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਕੇ ਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਏ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਇਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਰਨ ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ MA ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਔਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਲਿਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਥੈਂਕਸ ਡਾਕਟਰ ਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗਦਰ ਕੀ ਸੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਮਨ ਹਮਾਇਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਟੈਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਬਿਕੇਮ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ